फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के निटिंग क्रिएशन। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये जेंट स्वेटर का बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा पैटर्न लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप सिर्फ उल्टे सीधे फंदों में ही बनाकर बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना सकते हो। इस स्वेटर के बॉर्डर में हमने 100 फंदे डाले हैं और ऊपर 10 फंदे बढ़ाए हैं। अगर आप भी इस डिज़ाइन को बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम 6 के मल्टीपल में फंदे लेंगे तो हमारा ये डिज़ाइन सही से सेटल हो जाएगा। सिर्फ उल्टे सीधे ही फंदे बनाते जाएंगे और बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बनता जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ये 6 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं और अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया है। बॉर्डर बनाने के बाद आप जो भी फंदे बढ़ाए वो अपने पहली सिलाई से बढ़ा लीजिएगा और बैक साइड से हम इसको उल्टा बनाते जाएंगे और सीधी तरफ से फिर हमारा ये डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। अब हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 6 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं, एक्स्ट्रा फंदा कोई नहीं है। 6-6 के मल्टीपल में हमारा डिज़ाइन चलता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। जैसे हमने यहाँ से पहली सिलाई से बनाना शुरू किया था, वैसे ही अब हम ये हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। तो धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे। धागा पीछे, 2 फंदे फिर से सीधे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 6 फंदे उल्टे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे। धागा आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे। फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे। और फिर लास्ट में फिर से 6 फंदे उल्टे। एक, दो, तीन, चार और 5 और 6। देखिए फ्रेंड्स, आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हों आप उनको ऐसे ही करते जाइएगा। 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 6 फंदे, फिर से 6 उल्टे, फिर से 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 6, फिर से 6 उल्टे। अब फिर आगे 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, फिर से 6 उल्टे। ऐसे ही आप इन फंदों को सेट करते जाइएगा और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनता जाएगा। अब आएंगे हम बैक साइड में। बैक साइड में हम ये जो फंदे यहाँ से उल्टे थे ये यहाँ से सीधे बन जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। धागा अपनी तरफ करेंगे, जो यहाँ से सीधे थे ये बैक साइड से उल्टे बन जाएंगे। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे करेंगे और ये यहाँ पे हमारे अब ये यहाँ पे हमारे 6 फंदे थे जो ये यहाँ से सीधे बन जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे। 1, 2, धागा पीछे, फिर से 2 सीधे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे। फिर आएंगे हम सीधी तरफ थर्ड रो में। देखिए फ्रेंड्स, अब थर्ड रो में हम ये 2 फंदे ये सीधे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, फिर से ये जो 2 फंदे हैं सीधे इनको भी हम सीधा बना देंगे। अब जो हमारे ये थर्ड रो में ये थे, फर्स्ट और सेकंड में ये उल्टे फंदे थे, इनको अब हम थर्ड रो में सीधा बनाएंगे। तो हमारे 2 फंदे ये सीधे, 6 फंदे ये बीच में उल्टे थे ये भी हमारे सीधे और 2 आगे के, तो हमारे यहाँ पे 10 फंदे सीधे बन जाएंगे। 2, 3, 5 और 6, 7, 8,
और 9 और 10, दो फंदे हमारे साइड के सीधे थे, दो इस साइड के, बीच में 6 उल्टे थे, ये भी हमारे सीधे बन गए। तो धागा अपनी तरफ करेंगे आगे, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे, ये 6 फंदे फिर से, अब ये दो फंदे सीधे, जो लास्ट के हमारे ये थर्ड रो में 6 फंदे उल्टे थे, इनको भी हम सीधा बनाएंगे। तो हमारे यहाँ पे 8 फंदे सीधे बन जाएंगे। अब आएंगे हम बैक साइड में फोर्थ रो पे। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ रो में जो फंदा जैसा दिखाई देगा उसको वैसे ही बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 फंदे हमारे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे और हमारे यहाँ पे 10 फंदे उल्टे। ये हमारी फोर्थ रो है, ये हमारे 10 फंदे उल्टे। बहुत ही आसान डिजाइन है, सिर्फ उल्टे सीधे फंदे ही हैं और कुछ नहीं है। बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आता है। जेंट स्वेटर में डालिए, फुल स्लीव्स में, हाफ स्लीव्स में, बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आएगा। धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के दो फंदे उल्टे। अब आएंगे हम सीधी तरफ पांचवी सिलाई में। पांचवी सिलाई में देखिए फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पे किया था वही फिर से हम फर्स्ट रो को रिपीट करेंगे पांचवी सिलाई में। तो दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे और दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और फिर से 6 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 और 6, धागा पीछे करेंगे, फिर से दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के 6 फंदे फिर से उल्टे। ये हमारी पांचवी सिलाई है। पांचवी सिलाई हमारी पहली सिलाई की तरह ही बनेगी, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी उसी को रिपीट करेंगे। और अब आएंगे हम सिक्स रो पे। सिक्स रो को हम सेकंड रो की तरह रिपीट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी। ये फंदे हमारे सीधे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 फंदे सीधे, जो यहाँ से उल्टे थे यहाँ से सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, फिर से दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, फिर से ये 6 फंदे, सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऐसे डिजाइन बन के आएगा। बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आता है और बहुत ही आसान है। अब हमने ये 6 सिलाइयाँ बनाई, अब फिर से 6 सिलाई फिर बनाएंगे तो हमारा डिजाइन चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा ये उल्टे फंदे 6 यहाँ पे हैं, ये हमारे यहाँ पे आ जाएंगे और ये डिजाइन है जो यहाँ पे, अंदर वाला डिजाइन बाहर की तरफ आ जाएगा, बाहर वाला अंदर की तरफ आ जाएगा। तो अब हम अपने डिजाइन को चेंज करेंगे। तो अब आ गए हम सीधी तरफ सातवीं सिलाई में। सातवीं सिलाई में देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हम 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, डिजाइन को चेंज करेंगे, 3 4 5 और 6, धागा पीछे करेंगे, फिर से दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे, दो फंदे उल्टे,
दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और छह फंदे फिर से उल्टे, दो तीन चार पाँच और छः, धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमने अपने डिजाइन को चेंज कर लिया। अब ये हमारी सातवीं सिलाई थी, अब आएंगे हम आठवीं सिलाई पर। आठवीं सिलाई पर देखिए फ्रेंड्स, जो फंदे यहाँ से सीधे थे वे यहाँ से उल्टे बन जाएंगे, तो दो फंदे उल्टे, धागा पीछे दो फंदे सीधे, धागा आगे दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, फिर जो यहाँ से छह फंदे उल्टे थे ये यहाँ से सीधे बन जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और छः, धागा अपने तरफ करेंगे और ये दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे फिर से दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे ये दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे ये दो, ये छह फंदे हमारे सीधे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी आठवीं सिलाई बनके तैयार हुई। अब आएंगे हम नौवीं सिलाई पर। नौवीं सिलाई में देखिए फ्रेंड्स, जो फंदे हमारे ये छह फंदे उल्टे थे, इन छह फंदों को हम सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, और जो दो फंदे ये थे सीधे, इनको भी हम सीधे ही बना देंगे, तो हमारे यहाँ पे टोटल आठ फंदे सीधे बन जाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे। दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे। सॉरी, ये फंदे भी हमारे सीधे ही बनेंगे, धागा पीछे ही रखेंगे, ये दो फंदे सीधे हैं जो इनके आगे भी, ये दो चार छः और दो, ये सीधे आठ, तो हमारे यहाँ पे 10 फंदे सीधे बनेंगे, तीन चार पाँच छः सात आठ, और दो सीधे ये थे ये भी हमारे यहाँ पे सीधे बनेंगे, ये हमारी नाइन्थ रो है। धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे, ये हमारी नाइन्थ रो बन के कम्प्लीट हुई। अब आएंगे हम टेंथ रो पे। टेंथ रो पे देखिए फ्रेंड्स, जो फंदे यहाँ से हमारे सीधे थे भी यहाँ से उल्टे बनेंगे, तो दो फंदे उल्टे, धागा पीछे दो फंदे सीधे, धागा अपने दो सीधे और अब धागा अपनी तरफ करेंगे, अब जो ये 10 फंदे हमारे यहाँ से सीधे थे ये यहाँ से उल्टे बनेंगे, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ और 10, 10 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे, अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये आठ फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। अब आएंगे हम सीधी तरफ 11वीं सिलाई में। देखिए फ्रेंड्स, 11वीं सिलाई को हम 7वीं सिलाई की तरह ही रिपीट करेंगे, तो हमारे यहाँ पर
ये जो सीधे फंदे थे यहाँ पर हमारे 6 फंदे उल्टे बन जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे। धागा पीछे करेंगे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 6 फंदे उल्टे। एक, दो, तीन, चार, पाँच और 6। धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे। धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे। ये हमारी 11वीं सिलाई थी। अब आएंगे हम 12वीं सिलाई पर। 12वीं सिलाई को हम फिर 8वीं सिलाई की तरह ही रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो जो फंदा जैसा दिखाई देता है उसको वैसा ही बुनाते जाएंगे। 2 सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे। धागा पीछे करेंगे और ये 6 फंदे सीधे। 2, 3, 4, 5 और 6। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से ये 2 फंदे उल्टे। धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से ये 2 फंदे उल्टे। और धागा पीछे करेंगे, फिर से ये 6 फंदे सीधे। 2, 3, ये हमारे सीधी तरफ से उल्टे थे और उल्टी तरफ से हमारे सीधे बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 12 सिलाई बन के आई हूँ और हमारा डिजाइन भी बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आता है और बनाना बहुत ही आसान है। ऐसे ही हम जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी वैसे ही आप फिर बनाएंगे। इन्हीं 12 सिलाइयों को रिपीट करते भी जाइएगा और बहुत प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा। सिर्फ उल्टे सीधे ही फंदे बनते जाएंगे और कोई डिजाइन नहीं है, ये सीधे ही उल्टे सीधे बनते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत प्यारा डिजाइन बन के आएगा और बनाना बहुत ही आसान है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए और मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।